शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कामचोर पाठ के पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि भैंस घबरा गई और अपने चारों पैरों से एकदम से छलांग लगा दी और बाल्टी को लात मारकर खुद दूर खड़ी हो गई। लेखिका आगे कहती है कि जब भैंस बाल्टी में लात मारकर दूर खड़ी हो गई तो बच्चों ने तय किया कि भैंस की आगे पीछे की दो टांगें बांध दी जाएं और फिर काबू में लाकर दूध दुह लिया जाए। बस फिर क्या था, बच्चों ने अपने झूले की रस्सी उतार ली और भैंस के पैर बांध दिए। बच्चों ने पिछले दो पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिए, जिस पर चाचा जी सो रहे थे। और जैसे ही अगले दो पैरों को बांधने की कोशिश करने लगे तो भैंस चौकन्नी हो गई और भैंस चारपाई को अपने साथ खींचकर भागने लगी। भैंस के भागते ही चाचा जी की चारपाई भी भैंस के साथ ही पीछे पीछे घसीटने लगी और चाचा जी को ऐसा लगा जैसे कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर चाचा जी पर गिरा तो वो समझे कि वे आंधी तूफान में फंस गए हैं और साथ में भूकंप भी आ गया है। फिर जल्दी ही चाचा जी को असली बात का पता चल गया कि असल में क्या हुआ है। बच्चों को इस तरह छोड़ देने वालों को बुला भरा सुनाने लगे कि इन शैतान बच्चों को किसने खुला छोड़ दिया। बच्चों को ऐसा दृश्य देखकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही थी। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई पर चाचा जी घसीटते हुए चले जा रहे थे। जब बच्चों ने देखा कि भैंस भागी जा रही है और चाचा चारपाई पर उसके पीछे घसीटे जा रहे हैं, तब बच्चों को ध्यान आया कि भैंस का बछड़ा खोल दिया जाना चाहिए। इससे भैंस रुक जाएगी और हुआ भी वैसा ही। बछड़ी के प्यार में बेचैन होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया क्योंकि उसका बछड़ा भी घायल हो सकता था और बछड़े को देखकर उसने तुरंत अपने पांव रोक लिए। बछड़ा भी भूखा था और अपनी मां को देखकर तुरंत दूध पीने में जुट गया। लेखिका आगे कहती है कि जैसे ही बच्चों ने देखा कि भैंस शांत हो गई, वे सभी गिलास कटोरे लेकर दूध दुहने लग गए क्योंकि हड़बड़ी में बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी। लेखिका की अम्मा को बहुत गुस्सा आ रहा था। बच्चों से तंग आकर लेखिका की अम्मा मायके जाने की धमकी देकर सामान बांधने लगी। वे कहने लगी कि या तो बच्चों की मनमानी चलेगी या फिर वे घर में रहेंगी। बच्चे कहने लगे कि काम करें तो भी मुश्किल, ना करें तो भी मुश्किल, अर्थात जब बात जहां से शुरू हुई थी वहीं आकर खत्म हो गई। तो बच्चों आज की कहानी में बस इतना ही। चलो देखते हैं कि आज आप लोगों ने क्या सीखा। बहुविकल्पी प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, जब भैंस लात मारकर दूर खड़ी हुई तो बच्चों ने क्या तय किया। आपके विकल्प है, का भैंस की टांगे बांध दी जाए, खा दूध दुह लिया जाए, गा भैंस को भगा दिया जाए, घा इसमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपका सही विकल्प है भैंस की टांगे बांध दी जाए। आपका अगला प्रश्न है, भैंस चारपाई को खींचकर भागने लगी तो चाचा ने क्या महसूस किया। आपके विकल्प हैं, का मार खा रहे हों, खा स्वप्न देख रहे हों, गा दौड़ रहे हों, घा उपर्युक्त सभी।
तो बच्चों आपका सही विकल्प क्या है? खा, स्वप्न देख रहे हूं। आपका अगला प्रश्न है, जब चाचा जी चारपाई के साथ घसीटी जा रहे थे तो बच्चों को क्या ख्याल आया? आपके विकल्प हैं, का बछड़ा बांध दिया जाए, खा भैंस बांध दी जाए, गा बछड़ा खोल दिया जाए, घा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपका सही विकल्प क्या है? गा बछड़ा खोल दिया जाए। आपका अगला प्रश्न है, बच्चों से तंग आकर अम्मा ने क्या धमकी दी? आपके विकल्प हैं, का बच्चों को घर से निकाल दिया जाए, खा बच्चों को रात का भोजन ना दिया जाए, गा बच्चों की मनमानी नहीं चलेगी, घा मायके चली जाएंगी। तो बच्चों आपका सही विकल्प क्या है? घा मायके चली जाएंगे। प्रश्न अभ्यास, आपका पहला प्रश्न है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो, अम्मा ने ये कब कहा? आपका दूसरा प्रश्न है, बच्चों ने भैंस के पैर क्यों बांध दिए? धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं।